प्यारे प्रदेशवासियों, जहां एक तरफ हम कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां हिमाचल प्रदेश के दो नौजवान जो सेना में काम करते थे, श्रीनगर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए हैं, जिसमें एक मनाली से बालकृष्ण और दूसरे घुमारवीं से संजीव कुमार। मैं इन दोनों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार वालों को इस दुख को सहन करने की ताकत दे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मित्रों, जहां तक कोरोना वायरस की आज की जो अपडेट्स हैं उसके सिलसिले में आपके बीच में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में हमने बड़े स्तर पर कोरोना वायरस के सैंपल लेकर के टेस्टिंग की प्रोसेस जो है वो तेज की है और अभी तक हिमाचल प्रदेश में लगभग 456 सैंपल जो है लैब में भेजे गए थे और जिनमें से 14 सैंपल जो है कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए, यानी कि कुल 14 मरीज कोरोना वायरस से प्रभावित हिमाचल प्रदेश में अभी तक पाए गए हैं। पिछले कल भी एक और मामला कोरोना वायरस का हमारे सामने हिमाचल प्रदेश में आया है, जिनको कांगड़ा टांडा मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन में भेज दिया गया है और ये भी तबलीगी समाज से ही संबंधित व्यक्ति है। और इस प्रकार से मैं देख रहा हूं पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने 329 लोग जो तबलीगी समाज के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को क्वारंटाइन पर भेजा गया है और समय समय पर उनके जो सैंपल हम भेज रहे हैं उसकी रिपोर्ट्स भी हमारे सामने आ रही हैं। पिछले कल हमने एक निवेदन किया था और विशेष तौर से वो तबलीगी समाज के लोगों से किया था कि अगर आप इस बीच में अगर दिल्ली जाकर के निजामुद्दीन में उस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर के आए हैं, आप स्वतः अपने आप आगे आए, हमें जानकारी दें, आपका जीवन भी खतरे से बाहर और साथ में आपके साथ जुड़े हुए लोग जिनसे आपका संपर्क है, रिश्ता है, उन लोगों को भी हम बचा सकें, उस दृष्टि से निवेदन किया था। और मुझे इस बात का संतोष है कि कुल 12 लोगों ने पिछले कल से अभी तक अपने आप आगे आकर के ये जानकारी दी कि हम उस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे, हम कार्यक्रम में गए थे। हमने आदेश किए थे कि इन सभी के सैंपल लैब में भेज दिए जाएं और वो लैब की रिपोर्ट आने के बाद आपको जानकारी उपलब्ध करा देंगे। इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में 52 ऐसे लोग जो तबलीगी समाज के संपर्क में रहे, इनका ताल्लुक भी, इनका संबंध भी उसी समाज से है, इन्होंने अपने आप जानकारी दी और जानकारी के अनुसार इन्होंने बताया कि हम उनके साथ मिले थे, उनके साथ बैठना हुआ, मिलना हुआ, यानी कि उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में रहे हैं, उनको सबको क्वारंटाइन में हमने भेजा है। कोरोना के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करना, आप सबका बहुत बड़ा सहयोग उसमें मिल रहा है और हम लगातार इस लड़ाई को लड़ करके आगे बढ़ करके सफल होंगे, ऐसी मेरी कामना है। कोरोना महामारी के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज एक महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया और इस निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री और केंद्रीय सभी मंत्री एक वर्ष तक अपने वेतन में 30% की कटौती करेंगे। इसके अतिरिक्त भारत के माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सभी राज्यों के राज्यपाल स्वेच्छा से एक वर्ष तक 30% वेतन में कटौती करेंगे। मैं इन दोनों निर्णय का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमको इस प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले समय में लेने होंगे, उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भी इस प्रकार की परिस्थितियां आ सकती है। पिछले कल दीपोत्सव का कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर किया गया था वो पूर्ण रूप से सफल रहा। पूरे हिमाचल प्रदेश वासियों का भी मैं एक बार उस कार्यक्रम को सफल करने के लिए, सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फिर से आप सबके सहयोग के लिए इस कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में जो हमको मिल रहा है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबके साथ सारी बातों को साझा करने के लिए हम समय समय पर मिलते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिमाचल।